अधिवक्ता दंपति से घर घुसकर मारपीट से मचा बवाल। भड़के अधिवक्ताओं ने की निलंबन और एफआईआर की मांग। भाजपा सरकार में अधिवक्ता तक सुरक्षित नहीं है। रविवार रात सरकंडा क्षेत्र में घुस घुस कर अधिवक्ता दंपति से की गई पुलिसिया बर्बरता ने सरकार के सुशासन के दावों की कलई खोल दी है। इससे भड़के अधिवक्ताओं ने सोमवार को कामकाज बंद कर कलेक्टर एसपी और आईजी को ज्ञापन सौंपे। दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर कर उन्हें निलंबित करने की भी मांग की। एसपी ने उन्हें तवज्जो देने के बजाय आश्वासन दे चलता कर दिया। सरकंडा जोरापारा कन्हैया सिटी निवासी अधिवक्ता अनुराग पांडे और उनकी शिक्षक पत्नी सुरभि पांडे रविवार को घर पर ही थे। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो सूचना पर डायल 112 की टीम भी पहुंच गई। सुरभि पांडे का आरोप है कि 112 के स्टाफ योगेश बघेल और विश्वजीत खुटे ने जबरन घर घुसकर अनुराग के साथ मारपीट की। रोकने पर उन लोगों ने उनके साथ भी गाली गलौज की और अनुराग को उठाकर सरकंडा थाना ले गए। मारपीट में अनुराग के चेहरे पर चोट आई है। सरकंडा पुलिस ने 7-8 घंटे तक अनुराग को थाने में बिना मुलाहिजा कराए हिरासत में रखा। अनुराग की पत्नी की सूचना पर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी भी थाने पहुंचे, जिससे रविवार रात से लेकर सोमवार दोपहर तक एसपी और आईजी कार्यालय घिरा रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो सीसीटीवी में कैद है। जिला अधिवक्ता संघ ने दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपा न्यूज।